पंडित दीनदयालपुरम में स्थित दुकानों के मालिकों द्वारा न तो दुकान खोली जा रही है और न ही दुकानों की किश्त पटाई जा रही है, जिसे देखते हुए निगम भिलाई ने पुराने आवंटन को निरस्त कर नए सिरे से आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की योजना बनाई है। नगरपालिक निगम भिलाई जोन 4 के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दीनदयालपुरम के नाम से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें दुकानों का आवंटन भिलाई निगम द्वारा किया गया था, परंतु दुकान मालिकों द्वारा ना तो इन दुकानों को खोला जा रहा है और ना ही इन दुकानों की किश्त पटाई जा रही है, जिससे निगम भिलाई को राजस्व का नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को देखते हुए निगम भिलाई द्वारा पूर्व में किए गए आवंटन को रद्द करने की और जो हितग्राही दुकानों की किस्त नहीं पटा रहे हैं उनके आवंटन को निरस्त कर नए सिरे से हितग्राहियों को दुकान का आवंटन करने की योजना बना रहा है, जिसकी जानकारी नगरपालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी है। देखिए, दीनदयालपुरम कुर्सी पार जोन कार्यालय से लगा हुआ आवंटित किया हुआ दुकान है, जो कि योजना के तहत में स्वावलंबन योजना के तहत में दिया गया था। कई लोगों ने, इसमें 17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2010 से इसका किराया नहीं पटाया है, कई लोग 2013 से नहीं पटाए हैं, ऐसे काफ़ी पुराने लोग हैं, जो ऐसे 17 लोग हैं। तो इनको पहले भी नोटिस जारी किया गया था कि आप जो संपत्ति कर, समेकित कर है, जो आपको किराया पटाना है, वो आप वाजिब जो निगम की ओर से आपको जमा करना है शुल्क, वो आप जमा कर दें और नहीं तो आवंटन जो है निरस्त किया जाएगा। इसको जिला चयन समिति दुर्गम में भी रखा गया था, उन्होंने इसके निरस्तीकरण का आदेश भी जारी कर दिया था, पर इनको अभी थोड़ा मौका दिया जा रहा है। संभवतः 22 सितंबर जो है वहाँ तक इनको 17 जो ऐसे लोग हैं उनको नोटिस जारी करके उनको समय दे रहे हैं कि आप भी पैसा पटा लें, तो निगम की जो टैक्स है उसको आप जमा कर लें, तब आप दुकान को कंटिन्यूटी करें या तो फिर आपके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर जो है नोटिस जारी किया गया है और नोटिस की तामील की जा रही है। सर, अगर किन्हीं कारणों से निरस्तीकरण होता है तो उनका उसका फिर पुनः आवंटन क्या उसको जो प्रक्रिया होंगी नियमानुसार, चूंकि लॉटरी वाली प्रक्रिया भी होती है और मंगाए जाते हैं दुकान के लिए, आमंत्रित किए जाते हैं जिनको दुकान चाहिए होता है, तो निश्चित रूप से जो जिला चयन समिति तय करती है, क्योंकि समिति इसकी गठित है, तो उसके आधार पर फिर आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कई ऐसे जगह हैं जहां पर निगम द्वारा दुकानें बनाई गई थी, परंतु सभी जगहों पर एक ही समस्या है कि जिन हितग्राहियों को यह दुकान आवंटित किए गए थे उसमें से ज्यादातर दुकानदार ना तो दुकान खोल रहे हैं और ना ही उसकी किश्त पटा रहे हैं, जिसके एवज में निगम भिलाई द्वारा यह फैसला लिया गया है। देखना होगा कि अब किन हितग्राहियों को यह दुकानें आवंटित होती हैं और यह दुकानें खुल पाती हैं या नहीं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।